हाँ जी बच्चा पार्टी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, हाल चाल बढ़िया है? यूट्यूब पर भी आ रही है बच्चों क्लास, YouTube पर लाइव हो रहा है आपके लिए सेशन, कौन बनेगा प्रोफेशनल। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन शुरू की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर अभी तक किसी एग्जांपल या क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ जी, हाल चाल मस्त है? हमेशा की तरह बच्चा अपने घर में व्यस्त है? हाँ जी बच्चों, किसी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये आ रहा है बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर, लेकिन अफसोस हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हें क्या हुआ देखो जरा ध्यान से। कहते फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। रॉ मटेरियल परचेज्ड है, वर्क्स ओवरहेड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स टू बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 40 पैसा पर क्विंटल। ऑब्वियसली जितनी क्वांटिटी आप बेचेंगे उसको 40 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल्स ऑफ द कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ना ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक है 800 क्विंटल और परचेज्ड प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है 12,800 क्विंटल्स और इसने कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है ना, कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दी नहीं, इसका मतलब इसके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर 13,600 क्विंटल्स के ऊपर 40 पैसे से मल्टीप्लाई करके एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट लेनी पड़ेगी, राइट? समझ आई बात? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इसमें है ही नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब इसके अंदर अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करें तो आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल है 4,000 प्लस परचेज 24,000 माइनस क्लोजिंग 0, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आप जोड़ते हैं वेजेस, कहीं पर दिया हुआ है वेजेस? नहीं दिया हुआ। और इसके अलावा आपको चाहिए वर्क्स ओवरहेड्स, तो आपकी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आएगी और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करोगे तो नेट वर्क्स कॉस्ट आएगी और नेट वर्क्स कॉस्ट के अंदर प्रोडक्टिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज इट इज एज्यूम करते हुए 1600 जोड़ दो, ठीक है? और उसके बाद ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी, फिर ओपनिंग फिनिश स्टॉक 3200 जोड़ दो
और क्लोजिंग फिनिश स्टॉक ना होने की वजह से वही आपका रिजल्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों सेम हो जाएंगे। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट 40 पैसे को 13,600 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और लास्ट में आपको सेल्स तो गिवन ही है, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। हाँ जी बच्चा वाड़ी, अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? और इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, 14, 15 और 26, ये चार क्वेश्चन दिए थे तो कोई और डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, आप छाए हुए हो। चलो अब कुछ और आगे का काम यानी कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ जी बच्चों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार शुभायमान हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10th। इस तरह का एक क्वेश्चन और दो एग्जाम्पल भी आपको बाद में होमवर्क में मिलेंगे। ध्यान से समझे क्वेश्चन नंबर 10th और देखें 10 का दम क्या लिखा है। कहते हैं नीलगिरी एयर कंडीशनिंग कंपनी प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेटर्स एंड सेल्स ईच फॉर ₹2,000 ड्यूरिंग अ सर्टेन अकाउंटिंग ईयर। ₹2,000 में बच्चों ये रेफ्रिजरेटर बेच देते हैं, तो ये आपके रेफ्रिजरेटर का यानी फिनिश प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट आर 60%, 20% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहते हैं हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, इसको नहीं पता, लेकिन हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उसका 60% डायरेक्ट मटेरियल होगा, उसका 20% डायरेक्ट लेबर होगा और 20% ही इसके ओवरहेड्स होंगे। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बच्चों हम इसके अंदर ओवरहेड्स भी कौन से वाले मानेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कहते हैं ना सबसिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर, सबसिक्वेंट का मतलब अगले, नेक्स्ट। तो सबसिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, डायरेक्ट मटेरियल 15% महंगा हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बाय 17.5%, लेबर ने भी ज्यादा रेट मांगना शुरू कर दिया, 17.5% महंगी होगी लेबर कॉस्ट। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन कॉस्ट देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द सेम सेलिंग प्राइस इज टू बी मेंटेन्ड। कहते हैं अगर आप सेलिंग प्राइस को मेंटेन करोगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 50% कम हो जाएगी, यानी अभी आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उससे 50% कमाओगे। कहते हैं कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू एनेबल द कंपनी टू मेंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज दैट अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। कहते हैं मुझे बताओ मैं रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करूं, नया सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करूं कि मुझे वही वाली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दोबारा मिल जाए। माइंड इट, ये प्रॉफिट एज अ परसेंटेज मेंटेन करना चाहता है बच्चों, प्रॉफिट अमाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता। अब आपको पता है बच्चों यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता, अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता तो फिर प्रॉफिट कहां से पता चलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट हटे तभी प्रॉफिट का पता चलेगा, राइट। तो हम यहां पर अगर कॉस्ट को एक्स मान लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2000 माइनस एक्स, अगर हम प्रॉफिट को एक्स मान लेते हैं तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 2000 माइनस एक्स। लेकिन आपको पता है यहां पर हमें उसके तीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, 60% मटेरियल, 20% लेबर, 20% ओवरहेड्स। तो इट इज बेटर कि हम इसके अंदर क्या कंसिडर करें, कॉस्ट को एक्स मानते हैं। हम प्रॉफिट को एक्स मानने की बजाय कॉस्ट को एक्स मानते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर प्रॉफिट को एक्स मानेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा प्रोफेशनल का ये मजेदार एपिसोड। ये बच्चों कॉस्ट शीट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर इतनी वैरायटी आपको दिखेगी कि आप खुद कहोगे यार ये तो मजेदार चैप्टर है कि एक एक चीज अलग सी वैरायटी शो कर रही है। क्योंकि बच्चों जिंदगी में हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते हैं वैरायटी, राइट। और ये उस चैप्टर की खासियत रहेगी, इसमें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। तो आओ बच्चों हम शुरू करें आज का ये एपिसोड विद क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10th पेज नंबर 5.30। हाँ जी, सबसे पहले शुरुआत कैसे करूं? तो शुरुआत करने के लिए बच्चों मेरे पास क्या है, लेट लेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स बी एक्स, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 2000 पर यूनिट, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। नाउ एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड, अभी क्या हो रहा है और आगे प्राइस राइज के बाद क्या होगा। सबसे पहली बात, हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? हमारे पास बच्चों तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, और उसके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या है, और इसके अंदर प्रपोज्ड एडिशन कितनी है या एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना है। और ये है हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब बच्चों इसके अंदर एक टुकड़ा है मटेरियल, एक टुकड़ा है लेबर और एक टुकड़ा है ओवरहेड्स। और आप देखो, हमने अपनी टोटल कॉस्ट को एक्स तो मान ही लिया है और एक्स के तीन एलिमेंट्स हैं, 60% का मतलब होता है 0.6x, 20% का मतलब होता है 0.2x और ओवरहेड्स का भी 0.2x, तो ये तीनों मिलकर बच्चों 1x बन गया। अब आगे मटेरियल 15% बढ़ेगा, लेबर 17.5% बढ़ेगी, लेकिन बच्चों ओवरहेड्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंक्रीज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.69x। ठीक है, 0.6 का 15% होता है बच्चों 0.09, तो ये हो गया 0.69 और ये 0.2x के साथ 17.5% जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.235x। लेकिन बच्चों ओवरहेड्स के अंदर क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं बताया, तो आपके इंक्रीज होने के बाद कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आओ देख लेते हैं। 0.69 प्लस 0.235 प्लस 0.2 और ये तीनों मिलकर बन रहे हैं बच्चों 1.125x। यानी भावार्थ ये हुआ कि जो पहले x लगता था वो अब 12.5% ओवरऑल बढ़कर 1.125x हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने अपना सेलिंग प्राइस को मेंटेन किया तो आपके प्रॉफिट को आधा कर दिया जाएगा, राइट? तो मैं बच्चों क्या लिख रहा हूं, बचपन में लिखा करता था ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज मेंटेन्ड, इफ सेलिंग प्राइस इज मेंटेन्ड देन प्रॉफिट विल रिड्यूस टू 50%। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ओल्ड रहे और आपकी कॉस्ट बढ़ जाए तो आपका प्रॉफिट 50% ऑफ ओल्ड प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमने बच्चों ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो एक्स मानी है वो ओल्ड वाली ही मानी है, ओल्ड एग्जिस्टिंग, उसी के बेस पर ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड तो हमने निकाल ली, राइट? तो बच्चों अगर ओल्ड सेलिंग प्राइस में से कोई न्यू कॉस्ट को माइनस करे तो उसका प्रॉफिट
50% रह जाएगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस रेफ्रिजरेटर का अगर 2000 रुपए हो और आपकी कॉस्ट एक्स से बढ़कर 1.125x हो जाए, तो बच्चों आपका प्रॉफिट 50% ऑफ 2000 माइनस एक्स हो जाएगा, 50% ऑफ 2000 माइनस एक्स। हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है? किसी को किसी तरह का कोई डाउट? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की प्राप्ति होगी 2000 माइनस 1.125x इज इक्वल टू रुपीज 1000 माइनस 0.5x। और अब आप इसको सॉल्व करके देखो, ये 1.125x उधर चला जाएगा और 1000 बच्चों इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 1000 यानी 1000 और 0.625x 0.625x। तो इससे बचा पार्टी आपका x प्राप्त होगा आपको 1000 डिवाइडेड बाय 0.625। कंप्यूटर जी x निकाल दो, 1000 डिवाइडेड बाय 0.625 एंड द रिजल्टेंट फिगर इज ₹1600। इससे ये पता चलता है बच्चों, हमारी पुरानी कॉस्ट एक रेफ्रिजरेटर की ₹1600 थी और जिसको हम 2000 रुपए में बेचते थे उस पर ₹400 कमाते थे, और ₹400 कॉस्ट के ऊपर देखोगे तो 25% बनता है, सेल्स पर देखोगे तो 20% बनता है, और आप सभी जानते हैं बच्चों 1/4 of cost is equal to 1/5 of sales 1/4 of cost is equal to 1/5 of sales। तो यहां से बच्चों हम अब अपना कंक्लूजन लिखना शुरू करते हैं। देयरफोर एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1600 पर यूनिट एंड एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 पर यूनिट। बच्चों मेरी कॉस्ट है ₹1600, मेरा प्रॉफिट है ₹400, राइट? और इससे अब मैं अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल सकता हूं, 1600 को 1.125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच या दैट इज करके लिख दो, दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट और 20% ऑफ सेल्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ कॉस्ट किसका बोल रहा हूं मैं? प्रॉफिट के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है बच्चा पार्टी? समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है जरूर पूछ लो, ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है और छोटे छोटे वर्ड्स चेंज करते हैं और क्वेश्चन नया बन जाता है। अब ये बच्चों 25% ऑफ कॉस्ट और 20% ऑफ सेल्स जो है, ये हमें आगे के लिए गाइड करेगा, आगे के लिए हमें बताएगा कि हमें किस तरह से अपना नया सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। तो इसीलिए बच्चों कंटिन्यू करते हुए क्या लिख रहा हूं, नाउ एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट 1.125x और ये है बच्चा पार्टी ₹1800 एज प्रॉफिट इन परसेंटेज शुड बी मेंटेन्ड सो सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड 1800 प्लस 25% ऑफ 1800, मतलब आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी
पहले पुरानी कॉस्ट का 25% थी, अब आपको नई कॉस्ट का 25% करना है, और नई कॉस्ट आपकी हो चुकी है 1800 रुपए, और 1800 का 25% आजकल होता है बच्चों 450 रुपए, जिसको जोड़ने पर आपको मिलेगा 2250 रुपए का सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड। इसका मतलब अगर आप 2250 रुपए का सेलिंग प्राइस फिक्स करोगे तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज में मेंटेन रही, और अगर आपने अपना सेलिंग प्राइस वही 2000 रुपए रखा तो आपका प्रॉफिट पिछली बार जो 400 रुपए था उससे आधा होकर 200 रुपए रह जाएगा, और ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, क्योंकि 2000 रुपए में 1800 रुपए माइनस करते हैं तो 200 रुपए तो बचता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में किसी तरह का डाउट, प्लीज आस्क। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों को डाउट नहीं आया, तो इसी खुशी में आप बच्चों एक और क्वेश्चन के दर्शन करो, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में भी बच्चों थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको नया क्वेश्चन बना दिया गया। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस नए क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे जो बच्चों एग्जाम में कम से कम 4 बार पेपर में आ चुका है पिछले 10 सालों में। ठीक है, ध्यान से समझे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कहते फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स पर एनम एट इट्स ऑप्टिमम, यानी 100% कैपेसिटी। कहते एक फैक्ट्री है, उसकी 100% कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स एक साल में बनाने की है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों 3 रुपए है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपए है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फिक्स्ड बर्डन है 1.5 लाख रुपए, वेरिएबल बर्डन है 5 रुपए पर यूनिट। आपको पता है फिक्स्ड बर्डन पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिकली एक साल का ये 1.5 लाख रुपए है। वेरिएबल पर यूनिट होता है, सेमी वेरिएबल 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ रुपीज 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। अंडरलाइन बच्चों पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है कुछ भी एक्स्ट्रा, 1% भी एक्स्ट्रा होने पर 10,000 रुपए लग जाएंगे। जैसे बच्चों आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, ठीक है, आपने 2 प्लेट शाही पनीर और 1 प्लेट दाल मखनी, नान वगैरह सब कुछ मंगवा लिया, खाते रहे, और थोड़ी देर के बाद आपकी सब्जी दाल खत्म हो गई, लेकिन जो गेस्ट आपके साथ थे उनके पास बच्चों चपाती घूम रही है, उनके पास लच्छा परांठा दिख रहा है आपको। अब आप वेटर को ये नहीं कह सकते भैया एक कड़छी दाल दे दोगे, जरा एक कड़छी दाल दे दोगे, नहीं बच्चों। घर पे तो आप कह सकते हो मम्मी थोड़ी सी दाल दे दो, थोड़ी सी मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन वहां पर आप वेटर को नहीं कह सकते, उसको चाहे आप बोल दो मामा जी थोड़ी सी दाल दे दो, नो, उसको बच्चों पूरी की पूरी प्लेट का ऑर्डर देना पड़ेगा। चाहे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी प्लेट है या नहीं, उसको तो पूरी प्लेट का ऑर्डर देगा। तो यही काम यहां हो रहा है बच्चों, अगर मैं 50% कैपेसिटी पर 50,000 रुपए खर्च करता हूं तो 50 के बाद 75% कैपेसिटी तक मैं 60,000 रुपए खर्च करूंगा पूरे साल की, फिर 75 से 100% कैपेसिटी पर मैं 70,000 रुपए खर्च करूंगा। मतलब ये स्लैब सिस्टम है, 50% तक 50,000, 75% तक 60,000, 100% तक 70,000, राइट। कहते हैं फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है कि अपने पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखते। ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स का मतलब है अगर ऑर्डर 5,000 यूनिट्स का आएगा तो 5,000 बनाएंगे, 6,000 का ऑर्डर आएगा 6,000 बनाएंगे। मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हो रही है, डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई दी जाएगी, एंड नॉट फॉर ओन स्टॉक। If the production program of factory is as indicated below and the management desires to ensure a profit of rupees 1 lakh for the year, work out the average selling price at which each unit should be quoted.
कहते हैं बच्चों एवरेज सेलिंग प्राइस बता दो जिस पर आप एक यूनिट को कोट कर पाओ। अब देखो प्रोडक्शन प्रोग्राम कैसा है, फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ द ईयर 50% ऑफ कैपेसिटी, रिमेनिंग नाइन मंथ्स 80% ऑफ कैपेसिटी, इग्नोर करो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों नेग्लिजिबल होंगे, इसीलिए कह दिया इसने इग्नोर करो। अब आप एक चीज नोटिस करो, एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब है जो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल। जैसे पता है आपको बच्चों गर्मियों के अंदर आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाई जाती है, सर्दियों के अंदर थोड़ा सा कम खाया जाता है, ठीक है ना। यंग जनरेशन तो बच्चों सर्दियों के अंदर भी आइसक्रीम के अंदर कोल्ड ड्रिंक डालकर यूज करती है, ठीक है ना। हमने हर चीज को तोड़ मोड़ रखा है। कुछ लोग तो उस दिन मैं किसी की मैरिज पर गया, उस दिन मतलब 3-4 महीने पहले, अब तो किसी की मैरिज का पता ही आपको क्या इन्विटेशन आ रहा होगा, तो किसी की मैरिज पर गया, वहां पर बच्चों एक स्टूडेंट मिल गया और स्टूडेंट मेरे सामने क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आइसक्रीम और साथ में गरम गरम गुलाब जामुन। मैंने कहा वाह यार क्या एक्सपेरिमेंट है। एक और हमारे सीनियर है फ्रेंड, वो बच्चों मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में गई तो उन्होंने सांबर डोसे का ऑर्डर दे दिया, सांबर डोसा खाएंगे। मैं ठीक है जी। अब सांबर डोसा खाने के साथ मुझसे पूछ रहे हैं यार कोल्ड ड्रिंक कौन सी लोगे। मैंने कहा भाई साहब मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लूँ, और इनफैक्ट मैं कोल्ड ड्रिंक पीता भी बहुत रेयरली हूँ। लेकिन बच्चों उसने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। अब मैं उसको उसी टाइम मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब इधर से आप गरम गरम सांबर खा रहे हो, उधर से आप एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। भाई साहब अंदर पेट में जाने के लिए क्या दो अलग अलग पाइप्स होते हैं कि इधर से कोल्ड ड्रिंक जाएगी उधर से गरम गरम सांबर जाएगा, वो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। और बच्चों वो पर्सन है तो बहुत क्वालिफाइड, लेकिन समझदारी और क्वालिफिकेशन में बड़ा फर्क होता है। उस बंदे को अस्थमा है। मैंने कहा भाई साहब अस्थमा आपके आपके हमेशा आसपास रहता है और आप लगे हुए हो कोल्ड ड्रिंक और सांबर, तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी ट्यूबलाइट जली, ठीक है ना। तो उसने उसके बाद वो जो कोल्ड ड्रिंक थी उसको उठाकर साइड पर रख दिया। तो कोशिश करो कि आप कोल्ड ड्रिंक चाहे पी रहे हो, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए। आपको पता है हमारे अमिताभ बच्चन साहब को कोल्ड ड्रिंक की वजह से बच्चों अपनी अंदर की कितनी सारी नाड़ियाँ निकालनी पड़ गई, गल गई उनकी वो नाड़ियाँ, इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर ना वो हमें कह रहा है कि हमारे पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन उसके अगले 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। समझ आया? पहले 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, फिर 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, लेकिन प्राइस बच्चों एक ही रखना है, ठीक है ना। जैसे आइसक्रीम अगर आप मदर डेयरी या अमूल वगैरह की लेते हो तो उसके प्राइस बच्चों वो ऐसा नहीं होता कि सर्दियों के अंदर प्राइस कम कर दें और गर्मियों के अंदर प्राइस बढ़ा दें। उन्होंने अपना प्राइस फिक्स किया होता है, अनलेस देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अदरवाइज कॉस्ट अगर सेम है तो प्राइस उनका सेम है। आजकल तो आपको पता है वो बाय वन गेट वन फ्री भी वो ब्रिक के साथ ऑफर देते हैं। तो द मेन थिंग इज कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मे वेरी फ्रॉम इन सीजन एंड ऑफ सीजन, बट द एवरेज सेलिंग प्राइस शुड बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर ईयर। समझ आया मेरा पॉइंट? तो ये है बच्चा पार्टी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर ना आपको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि आप इस पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन के साथ कितनी क्वांटिटी बनाओगे। मतलब आप पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे, आपकी कैपेसिटी क्या है। आपकी कैपेसिटी है बच्चों 60,000 यूनिट्स पूरे साल की, तो एक महीने की हो गई 5,000, एक महीने की 5,000 तो 50% कैपेसिटी हो गई 2,500, 80% कैपेसिटी हो गई 4,000। अब देख लो पहले 3 महीने आपने 2,500 के हिसाब से प्रोडक्शन की होगी, अगले 8 महीने आपने 4,000 यूनिट्स के हिसाब से प्रोडक्शन की होगी, और ये जो प्रोडक्शन आपकी होगी इसके बेस पर बच्चों आपको एनुअल प्रोडक्शन निकालनी है। और एक बार अगर आपकी एनुअल प्रोडक्शन आ गई तो उसके बाद आप अपना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स सब कुछ निकाल सकते हो, और उससे आपकी टोटल चार्जेबल कॉस्ट आ जाएगी। और उस टोटल चार्जेबल कॉस्ट में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट अगर जुड़ जाए तो बच्चों डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी, और डिजायर्ड सेल्स को आप उस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे
तो आपको सेलिंग प्राइस एवरेजली फॉर द ईयर एज अ होल मिलेगा, राइट। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का मासूमियत से भरपूर सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को अभी हमने पढ़ा, अब हम इसका आनंद लेंगे। स्टेटमेंट शोइंग द इवेल्युएशन ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड। अब बच्चों इसके लिए मुझे ना एक दो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। एक वर्किंग नोट मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्वांटिटी निकालूंगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकालूंगा। दूसरा वर्किंग नोट मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का बर्डन फॉर द ईयर एज अ होल निकालूंगा। ठीक है जी, आओ बच्चों पहले वर्किंग नोट के दर्शन करो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर सबसे पहले पीरियड यानी टाइम स्पैन, फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एस्टीमेटेड प्रोडक्शन पर मंथ और टोटल एस्टीमेटेड प्रोडक्शन। अब देखो बच्चों क्या लैंग्वेज लिखी थी। कहता है पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स, और फिर नेक्स्ट 9 मंथ्स। ओके, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगी बच्चों 50% और 80%। अब आपकी वैसे कैपेसिटी है 5000 यूनिट्स पर मंथ बनाने की, लेकिन आप पहले 3 महीने बनाओगे 2500 यूनिट्स पर मंथ, और उसके बाद आप बनाओगे 4000 यूनिट्स पर मंथ। अब 2500 को अगर आप 3 मंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पहले 3 महीनों की बजटेड प्रोडक्शन आती है 7500, और फिर 9 मंथ्स की आती है 36000, जो टोटल हो जाती है आजकल के हिसाब से 43500 फॉर द ईयर एज अ होल। और इसी के बेस पर बच्चों आपकी आगे की कॉस्ट कैलकुलेट होने वाली है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहली बात क्या ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन समझ आ गई। अब इसी के बेस पर बच्चों हम अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, बजटेड प्रोडक्शन। यूनिट्स, और अब इसके ऊपर कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का बर्डन है बच्चों 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर का बर्डन है 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब 43500 को बच्चों 2 से तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, ये आएगा 87000। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ ना, 1,30,500।
सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द स्टूडेंट्स। ये दोनों मिलकर बनते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट 217,500 रुपये। और आपने नोटिस किया बच्चों, जब क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि हमारा सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर करो, इसका मतलब इसने कौन से ओवरहेड्स आपको दिए हैं बच्चों? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स बच्चों तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फिक्स्ड, और फिक्स्ड है बच्चा पार्टी 150,000 फॉर द ईयर एज अ होल। एक है वेरिएबल, और वेरिएबल है बच्चों 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब आपको पता है ये प्राइम कॉस्ट भी तो बच्चों 5 रुपए के हिसाब से ही थी। क्यों? एक एलिमेंट इसमें 3 रुपए का था, एक एलिमेंट इसमें 2 रुपए का था, तो प्राइम कॉस्ट 5 रुपए के हिसाब से होगी कि नहीं? और ये भी बच्चों सेम आएगा 217,500। अब मैं बच्चों एक सेमी वेरिएबल की कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चों मुझे ना साल के 2 महीने या साल के 3 महीने एक एक्स्ट्रा रूम की जरूरत पड़ती है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक एक्स्ट्रा रूम। तो क्या मैं पूरे साल के लिए किराया पर हायर करूं? नहीं। जब 3 महीने की रिक्वायरमेंट है तो फिर 3 महीने के लिए ही सिर्फ अरेंज करना चाहिए, ठीक है? जैसे आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं इनके शोरूम, इनको पता है बच्चों इनका दिवाली से थोड़े दिन पहले से न्यू ईयर तक सामान बहुत ज्यादा बिकता है, उस वक्त ये ऑफर्स भी देते हैं। तो पॉइंट ये राइज होता है कि क्या पूरा साल ही अपने पास ज्यादा सामान रखते होंगे? नहीं, दिवाली से पहले न्यू ईयर तक वो जो 4 महीने का टाइम स्पेन है ना, 3-4 महीने का टाइम स्पेन, सिर्फ उसके अंदर ये बच्चों अपने पास ज्यादा होल्ड करते होंगे सामान, और जिसकी वजह से इनको ज्यादा हो सकता है गोडाउन लेने पड़ रहे हैं, एक गोडाउन की जगह दूसरा गोडाउन भी चाहिए हो, तो उस वक्त बच्चों इनको रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन ने कहा हमारा खर्चा 50% लेवल पर, 50% लेवल पर 50,000 है, 60% लेवल, 75% लेवल तक ये 60,000 रहेगा, और फिर 100% लेवल तक ये 70,000 रहेगा। तो बच्चों मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। एक्सपेक्टेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, देखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है और उसके बेस पर एक्सपेक्टेड एनुअल एक्सपेंस कितना है। माइंड इट, एनुअल, लेकिन एक्सपेक्टेड पीरियड, आप तो उस कैपेसिटी पर यूटिलाइजेशन कुछ टाइम के लिए तो करते हो, तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट। ध्यान से समझे बच्चों मैं क्या लिखवा रहा हूं। अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी पर आपका एनुअल बर्डन 50,000 है। अप टू 75% कैपेसिटी, आपका एनुअल बर्डन 10,000 रुपए बढ़कर 60,000 है। अप टू 100% कैपेसिटी, आपका एनुअल बर्डन 70,000 है। लेकिन आप पहले 3 महीने बच्चों सिर्फ 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हो, फिर अगले 9 महीने आप 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हो, इसका मतलब बच्चों ये पूरे साल का खर्चा है ना, बट आपके लिए लगेगा 3 महीने का, 3/12, ये पूरे साल का खर्चा है 70,000, आपके लिए लगेगा 9/12, तो बनेगा पूरे 12 महीनों का एक्सपेक्टेड बर्डन। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 50,000 × 3/12 यानी 12,500। इसी तरह से 70,000
इंटू 9/12 यानी, हाँ जी बच्चों 70,000 का 9/12 होता है शायद 52,500, यस शायद नहीं बच्चों पक्का ही होता है, और ये दोनों मिल जाएं तो 65,000 आ रहा है। हाँ जी बच्चों क्या ये वर्किंग नोट समझ आ गया? ये वर्किंग नोट अगर क्लियर है तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। एनी डाउट? एनी डाउट? तो ये वो 65,000 है बच्चों जो अब यहां से कहां को जाएगा, आप जानते हो समझदार लोग हो, यहां पर जाएगा, और ये तीनों का टोटल बाहर जाएगा। तीनों का टोटल कितना है बच्चों चेक करो जरा, 4,32,500। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगी बच्चों मेरी टोटल चार्जेबल कॉस्ट, ठीक है, क्या बन जाएगी टोटल चार्जेबल कॉस्ट 6,50,000। और आपने बच्चों अब 6,50,000 के अंदर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ना है, और हमारा मैनेजमेंट बच्चों 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट ही तो चाहता है, ज्यादा तो उसकी इच्छा ही नहीं है। तो ये बनेगा रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू 7,50,000, और यही बच्चों आपको पहुंचाएगा आपके सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड पर, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट था आपका रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। इसका नाम रख दो ए, क्वांटिटी का नाम रख दो बी, और ए को बी से कर दो डिवाइड, और ये बनेगा आपका सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 52,500, ये है बच्चों 7,50,000 डिवाइडेड बाय 43,500, ये आ रहा बच्चों 17 रुपए 24 पैसे अप्रॉक्स। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों आजकल 24 पैसे खुले तो मिलते नहीं, इसीलिए बच्चों जो केमिस्ट लोग होते हैं ना, ये लोग जब अपने किसी मेडिसिन का प्राइस देखते हैं 17 रुपए 24 पैसे या 71 रुपए 24 पैसे, तो या तो ये 71 रुपए ले लेते हैं, और या फिर उसको कह देते हैं भाई साहब 72 रुपए दे दो, और वो भी कहता है कीप द चेंज। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, अंदाज क्लियर हो गया होगा। अब जो इसी पैटर्न के ऊपर ना क्वेश्चन नंबर 24 है, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपने इसका प्रॉपर वर्किंग नोट वगैरह खुद बनाना है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से देखो। कहते हैं फैक्ट्री नॉर्मल, फैक्ट्रीज नॉर्मल कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट्स पर एनम, नॉर्मल यानी 100% कैपेसिटी है 1,20,000, पिछले क्वेश्चन में 60,000 थी, इस बार 1,20,000 है, तो आपकी मंथली कैपेसिटी हो गई 10,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर, डायरेक्ट मटीरियल 3.2, डायरेक्ट लेबर 2 रुपए पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹12,000 पर मंथ, अंडरलाइन सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹12,000 पर मंथ का मतलब है हर महीने वर्कर्स को ₹12,000 तो पक्का दिए जाएंगे, ठीक है, उससे ऊपर दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं दे सकते। यानी अगर मान लो मेरी क्वांटिटी 5,000 है, तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों तो वैसे 10,000 बनेगा, तो हम उसको 12,000 देंगे। लेकिन अगर मेरी क्वांटिटी 7,000 है, तो 7,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14,000 बनेगा, हम उसको 14,000 देंगे। मतलब विच एवर इज हायर, 12,000 से कम नहीं देनी है,
ये बच्चों हमने कसम खा रखी है, ठीक है, कि वर्कर्स को 12,000 पे तो पक्का देंगे। जैसे हम लोगों ने लेबर का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो लेबर में बच्चों यही चीज तो बताते हैं, क्या आप पीस रेट बेसिस पर पेमेंट करो सब्जेक्ट टू गारंटेड मंथली अमाउंट, कि भैया तेरे को पीस रेट देंगे, लेकिन ध्यान रखियो अगर तेरी प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो तुझे ज्यादा वाला मिलेगा, वरना इतना तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बार फिर से बच्चों हमारे सामने है, फिक्स्ड है 1,60,000 पर एनम, वेरिएबल है 2 रुपए पर यूनिट, और सेमी वेरिएबल 60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा 20,000 पर एनम फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट वेयर ऑफ। देख रहे हो बच्चों सिर्फ एक लेबर का पॉइंट थोड़ा सा बदला है, बाकी मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और डिफरेंस है। कहता है ईच यूनिट यील्ड्स स्क्रैप विच इज सोल्ड एट 20 पैसे, हर यूनिट से जो स्क्रैप यानी कूड़ा एमर्ज होगा वो कूड़ा बच्चों 20 पैसे के हिसाब से बिक जाएगा, और जब ये कूड़ा एमर्ज होगा, और आपको पता है होता है, तो बच्चों ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस की सेल 20 पैसे के हिसाब से जब आप करोगे तो आपको प्रॉफिट जो रिकवरी होगी वो आपको कॉस्ट में से लेस करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल स्क्रैप नॉर्मल लॉस का बर्डन उठाता कौन है, कस्टमर। तो फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू का बेनिफिट देते किसको है, कस्टमर। कहते हैं इन द ईयर 2002 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलेगा, पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी, अगले 9 महीने 80% कैपेसिटी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज ₹12। बच्चों मैंने अभी ना पिछला जो क्वेश्चन किया था, मैंने पूरे साल की सेल्स निकाल दी थी, पूरे साल की सेल्स में से, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस तो हम 12 रुपए बता चुके हैं, अगर आप पहले 3 महीने की सेल उस पूरे साल की सेल में से हटा दो तो आपको रिमेनिंग 9 मंथ्स की रिक्वायर्ड सेल्स मिल जाएगी, और जब आप रिमेनिंग 9 मंथ्स की सेल्स को रिमेनिंग 9 मंथ्स की क्वांटिटी से डिवाइड करोगे बच्चों, आपका सेलिंग प्राइस अगले 9 महीनों का निकल आएगा। What should be the price per unit for the remaining 9 months? अगले 9 महीनों का selling price fix करना है to earn a total profit of ₹251,000 in the whole year. इस बार बच्चों हमारे पंडित जी ने हमें कहा है कि आपको कम से कम 251,000 रुपये का profit target करना चाहिए, तो बच्चों हम पंडित जी को respect देते हुए अपना desired profit 251,000 add कर देंगे, तो हमारी total sales आएगी, टोटल सेल्स में से पहले 3 महीने की सेल माइनस कर देंगे, रिमेनिंग 9 मंथ्स की सेल्स आ जाएगी, और रिमेनिंग 9 मंथ्स की सेल्स के बेस पर ही आपका सेलिंग प्राइस फिक्स होगा। हाँ जी बच्चों बताओ ना, क्या ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे या कहीं पर शर्मा जाएंगे? अगर बच्चों आप शर्मा हो फिर तो शायद शर्मा जाओ, और अदरवाइज बच्चों अगर आप पंजाबी पुत्र हो तो फिर तो मैं नहीं मानता कि आप इस क्वेश्चन में अटकोगे या कहीं पर भटकोगे। हाँ जी बच्चा बाटी, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे ट्राई? बोलते ही नहीं है बच्चे हमारे यहां के। हो जाएगा सर, यस सर, बहुत बढ़िया, यस सर पंजाबी हैं कर लेंगी। अरे सबसे बड़ी बात आंसर गिवन है, जब आंसर गिवन होता है तो बच्चों बच्चा उसी डायरेक्शन में भागता है और आंसर तो मिला ही देता है। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 24 जो मैं आपको बाद में दूंगा हॉलिडे होमवर्क में। अब बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 18 विद अ 5 स्टार। लगाओ बच्चों इस छोटे से पटाखे के ऊपर जिससे होने वाला है धमाका, लगाओ इसके ऊपर 5 स्टार क्योंकि ये क्वेश्चन है मस्त। आओ बच्चों इस क्वेश्चन के दर्शन करो। कहते हैं प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एंड कंसिडर द प्राइस दैट यू वुड कोट फॉर एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 25,000 पीसेस। कहते हैं 25,000 पीसेस से आप कितना प्राइस चार्ज करना चाहोगे जो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो ना,
उस 25,000 यूनिट्स के ऊपर आप क्या प्राइस कोट करोगे? इसमें बच्चों रॉ मटेरियल लगेगा 10,000 किलो 6.95 पर केजी के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर लगेगी 15,000 घंटे, नॉर्मल टाइम लगेगा 2 रुपए के हिसाब से, और 25% बच्चों ओवर टाइम भी करवाना पड़ेगा एट डबल द नॉर्मल रेट। अब आपको पता है बच्चों ये ओवर टाइम उस स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए होने वाला है, जैसे ऑर्डर की ना एक डेडलाइन है कि भैया ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिलीवर करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि ये सीए और सीएमए का कोर्स है कि शुरू तो हमारी मर्जी से हो गया, खत्म खुदा की मर्जी से होगा, नहीं बच्चों, ऑर्डर टाइम बाउंडेड है कि 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर मुझे डिलीवरी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों हमने एस्टीमेट लगाया कि भैया नॉर्मल टाइम से तो ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए बच्चों हमने क्या किया, हमने ओवर टाइम की हेल्प लेनी शुरू कर ली, या ओवर टाइम हेल्प प्लान कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है बच्चों 20 नॉर्मली रिकवर्ड एट 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब ऊपर डायरेक्ट वेजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आएगा जैसे 15,000 × 2 30,000 और फिर 3750 × 4 15,000, तो बच्चों आपकी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी 45,000, और उसी का 45,000 का आपने 80% करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नॉर्मली रिकवर्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, और एडिशनल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड 50,000। व्हाट इज फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट? फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के अंदर बच्चों आप 50,000 पे इन्वेस्ट करोगे, और फिर नॉर्मल नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड 25%, और जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी ना उसका 25% हम बच्चों डिजायर्ड प्रॉफिट चाहते। लेकिन हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड के ना अकाउंट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स होते थे, एक फिक्स एसेट्स, दूसरा नेटवर्किंग कैपिटल। इसीलिए बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से जब आप निकालते थे तो क्या होती थी, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करते थे तो क्या होती थी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इफ एनी। तो हम यहां पर बच्चों करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या सुन रहे हैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू, यानी जो इसका प्राइस हम फिक्स करेंगे उसके ऊपर जो सेल्स वैल्यू जनरेट होगी 25,000 के अकॉर्डिंगली, उसका बच्चों 20% ये वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज चाहता है, और इसको उम्मीद है वर्किंग कैपिटल इसकी बढ़ेगी। और जब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप क्या चाहते हो, आपको बच्चों उसके कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न चाहिए। पहले बच्चों मैं आपको इसकी डायग्राम समझाता हूं, देखो डायग्राम कैसी बनी। एक छोटा सा पॉइंट समझना बच्चों, पहले नोट बाद में करना, ध्यान इधर दो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो इधर, अगर एक आइटम का सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाए तो उसके ऊपर बच्चों सेल्स वैल्यू डिपेंडेंट है, यानी आप सेलिंग प्राइस को जब 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपकी सेल्स वैल्यू आएगी। सेल्स वैल्यू का 20% ये बच्चों आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, और वर्किंग कैपिटल के अंदर जब आप फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट जोड़ दोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बच्चों आप कितना प्रॉफिट चाहते हो, 25%। कैपिटल एम्प्लॉयड का 25% बनेगा आपका डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट बच्चों आपको आपके सेलिंग प्राइस की ओर ले जाएगा। समझ आई बच्चों डायग्राम?
सेलिंग प्राइस पर डिपेंडेंट है सेल्स, सेल्स पर डिपेंडेंट है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट जोड़ूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का 25% मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट मेरा सेलिंग प्राइस। तो ये है बच्चा पार्टी हमारे इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी। आपको बातों बातों में समझ आ गया होगा कि आपका सेलिंग प्राइस ही सब चीजों का बेस बनेगा। सेलिंग प्राइस को अगर मैं एक्स मान लूं तो ये हो जाएगा 25,000x, ये हो जाएगा 5,000x, ये हो जाएगा 5,000x प्लस 50,000, ठीक है, 5,000x प्लस 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके ऊपर 25% योर डिजायर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एक्स, और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके आप अपनी कॉस्ट के अंदर सेल्स वैल्यू सेलिंग प्राइस पर आराम से पहुंचेंगे। तो ये है बच्चा पार्टी हमारा क्वेश्चन। पहले इस डायग्राम को नोट कर लो, फिर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। चलो वत्स चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, लेट द एक्सपोर्ट प्राइस अगर मैंने एक्सपोर्ट प्राइस को एक्स मान लिया तो मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 25,000x होगी, और 25,000x के ऊपर बेस्ड इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, ट्वेंटी परसेंट ऑफ 25,000x दैट इज 5,000x। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और फिक्स्ड एसेट्स है बच्चों 50,000, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है 5,000x, डिजायर्ड प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये है बच्चों हमारा बेसिक पार्ट। अगर ये कैलकुलेशन सही ना हो, गलत हो, तो क्वेश्चन बच्चों आगे सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे तो आपको बनानी है कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट के अंदर जब आप डिजायर्ड प्रॉफिट ये वाला ऐड करोगे तभी आपकी सेल्स वैल्यू आएगी, राइट।
तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू। स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड। ध्यान से देखो बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल लगने वाला है, रॉ मटेरियल 10,000 किलो लगेगा और 1 किलो का रेट बताया है 6.95। तो बच्चों कैलकुलेटर जी से पूछ लो क्या ये 69,500 आएगा। अब इस रॉ मटेरियल के अंदर आप ऐड कर दो डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर है बच्चों नॉर्मल 15,000 घंटे नॉर्मली काम होगा, 2 रुपए के हिसाब से हम 30,000 रुपए नॉर्मल वेजेस देंगे। इसके अलावा बच्चों ओवरटाइम 25% ओवर टाइम, 25% होता है 15,000 का 3750, 3750 इंटू डबल द नॉर्मल रेट, और डबल का मतलब है 4 रुपए, और 3750 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करने पर आजकल 15,000 आते हैं, और आपको पता है बच्चों 3750 इंटू 2 7500 होता है, 7500 इंटू 2 15,000 होता है। तो आपकी वेजेस, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई 45,000। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो एलिमेंट है वो क्वेश्चन दे नहीं रहा, तो ये तीनों मिलकर बन जाएंगे बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 1,14,500 रुपये। अब इस प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना है सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स है बच्चों 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। का 80% होता है बच्चों 36,000। ये आपकी बन गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आपको पता है ये एस्टिमेटेड बेसिस पर कॉस्ट शीट बन रही है, इसीलिए यहां पर प्री डिटर्मिंड एब्जॉर्प्शन रेट दे रखी है। इसीलिए यहां पर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बच्चों हमें ऐड करना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है बच्चा पार्टी 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ 45,000 जो होता है 27,000। 45 का टेबल आता है बच्चों आपको, नहीं आता तो सीख लो। 45 2 90 और 93 270, तो ये हो गया 27,000। और इसको ऐड करने पर आपको मिलेगी टोटल चार्जेबल कॉस्ट, और अब आप टोटल चार्जेबल कॉस्ट के अंदर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो, और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते ही आपको मिलेगी सेल्स वैल्यू जो है 25,000x। ठीक है, अब देख लो बच्चों यहां तक का कार्य, कोई डाउट है जरूर पूछो। टोटल चार्जेबल कॉस्ट, अब इस टोटल चार्जेबल कॉस्ट के अंदर आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करो, और डिजायर्ड प्रॉफिट बच्चों हमारा एक्स की टर्म्स में है ₹12,500 प्लस 1250x,
और ये बनेगी आपके रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू। रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू है 25,000 x, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो विच इंप्लाइज, देखो 177,500 था, अगर उसमें 12,500 जोड़े जाएं तो बन जाते हैं 1,90,000, और 1,90,000 में 1250x जोड़ो तो ये बन जाएगा 25,000x। चलो बच्चों जल्दी से 1,90,000 को 23,750 से डिवाइड करके x निकाल लो। बोलिए आपका इंतजार है। और ये आ रहा है बच्चों शुद्ध 8 रुपए का अमाउंट, 8 रुपए। जी हाँ, 8 रुपए का सेलिंग प्राइस अगर आप फिक्स करोगे तो बच्चों आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको कॉस्ट भी रिकवरी मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो 10 एक्सपोर्ट प्राइस, शुड बी फिक्स्ड एट 8 per unit। तो ये था बच्चा पार्टी, एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखो, समझो, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछो। इसको नोट करके बच्चों क्वेश्चन नंबर 19th के दर्शन करो। क्वेश्चन नंबर 19th, ये क्वेश्चन CMA एग्जाम्स में 2 बार कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आ गया और उसके बाद भी आया। ध्यान से समझिए, कहते कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट कैपेसिटी लेवल ऑफ 10,000 यूनिट्स इज गिवन अंडर ए बिलो। For a variation in capacity above or below this level, the individual expenses vary as indicated in B below. 10,000 units बनाने की बच्चों estimated cost given है। इसमें कुछ portion variable है, कुछ portion fixed है, कुछ portion semi-variable है। वो इसने हमें clear cut बता रखा है। Material है बच्चों 50,000 रुपए, 100% variable है। Labor है 30,000 रुपए, वो भी 100% variable है। पावर है 3,000 रुपए जो 80% वेरिएबल है, यानी इसमें 20% फिक्स्ड है। और आपको पता है जो फिक्स्ड होता है वो तो फिक्स ही रहता है। अगर आप क्वांटिटी 10,000 से 8,000 कर दो तो फिक्स्ड सेम रहेगा, वेरिएबल 80% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सेमी वेरिएबल बर्डन है। इसी तरह से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी सेमी वेरिएबल है, इसमें 80% वेरिंग यानी वेरिएबल है और 20% फिक्स्ड है। स्टोर्स 100% वेरिएबल है, इंस्पेक्शन 25% वेरिएबल है, बाकी 75% फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन 100% वेरिएबल है। जनरली बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन मशीन और रेट मेथड से लगाते हैं तो वो बच्चों प्योर वेरिएबल बन जाता है। हमने फाउंडेशन के अंदर एक मेथड पढ़ा था, मशीन और रेट मेथड। मशीन और रेट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे लगता था? डेप्रिसिएशन पर मशीन आर। अगर आप 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हो, मान लो 50 रुपए, तो 10 घंटे काम करने पर 500 रुपए, 100 घंटे काम करने पर 5,000 रुपए। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ने खुद मेंशन कर दिया कि डेप्रिसिएशन प्योरली वेरिएबल है, यानी ये मशीन आर रेट मेथड लगा रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों देखते चलो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 3600, 25% वेरिएबल एलिमेंट है।
सेलिंग ओवरहेड्स है 4500 जिसका 50% वेरिएबल एलिमेंट है, तो बाकी 50% फिक्स होगा। टोटल भी कर रखा है, कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल रखी है, कितनी हेल्प कर रहे हैं ना बच्चों हमारी, लेकिन इस हेल्प के पीछे इसका स्वार्थ छुपा हुआ है। और वो स्वार्थ क्या है, कहता है फाइंड आउट द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर ईच इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 8000 एंड 12000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। वैसे तो बच्चों मैं यहां पर ना दो कॉलम बना सकता हूं, एक 8000 का एक 12000 का। 8000 में जो वेरिएबल खर्चा होगा वो 80% होता रहेगा, और 12000 में जो वेरिएबल खर्चा होगा वो 120% होता रहेगा, क्योंकि 10000 के सामने 8000 बच्चों 80% है, 10000 के सामने 12000 120% है। तो आपको दो कॉलम इकट्ठे बनाने चाहिए एग्जाम में, लेकिन बच्चों अभी मैं समझाने के लिए एक पार्ट मैं करवाऊंगा और एक पार्ट आप घर पे करोगे, 8000 वाला मैं करवाऊंगा, 12000 वाला आप करोगे, ठीक है। तो आओ बच्चों 8000 वाला मैं करवा रहा हूं, प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, कैसे शो करोगे इस प्रेजेंटेशन को, आओ ध्यान से समझें, क्योंकि बच्चों प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंटेशन के ही नंबर हैं। कल मेरे पास एक बच्चा जो सीए फाइनल का स्टूडेंट था, उसके बच्चों 59 मार्क्स आए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब 60 होते तो उसका पेपर एग्जम्प्ट हो जाता। तो बच्चों वो मुझे अपनी आंसर शीट जो उसने निकलवाई थी वो मुझे दिखा रहा था, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना उसने कटिंग कर रखी थी। अब जो इंस्टीट्यूट में जो एग्जामिनर है ना, ही इज़ द किंग एंड किंग कैन डू एनीथिंग। तो जो कटिंग्स के बेस पर भी उसने कई जगह पर एग्जामिनर ने उसके नंबर काट रखे थे। तो इसीलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उसमें साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बच्चों हम लोग सुनते हैं स्वस्थ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ये है साफ सफाई रखो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते वक्त भी साफ सफाई रखो, ऐसा ना हो कि उसको पढ़ते हुए शर्म आए और आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए शर्म आए। तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19th, पेज नंबर 5.33। स्टेटमेंट शोइंग द इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट एट 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स का बच्चों मैं कर रहा हूं, लेकिन 12000 यूनिट्स का आप करोगे, क्या करोगे? देखो क्वांटिटी हो गई 8000 यूनिट्स। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल के बारे में हमने सुना कि ये प्योर वेरिएबल है, और नहीं भी लिखता तो भी बच्चों ये प्योर वेरिएबल ही होता। 50000 रुपये अगर 10000 यूनिट्स पे लगे हों तो 8000 यूनिट्स के ऊपर 40000 रुपये बनते हैं लेबर। यहां पर भी फिक्स्ड पीस रेट बेसिस पर पेमेंट हो रही होगी तभी ये प्योरली वेरिएबल है। 30000 अगर 10000 यूनिट्स के लिए है तो 8000 यूनिट्स का प्रपोर्शनेट बनता है बच्चों 24000। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मुझे दिख नहीं रहे। तो बच्चों ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया 64000। और अब इस प्राइम कॉस्ट में आपने जोड़ने हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में बच्चों मेरे पास क्या है, पावर। पावर के अंदर एक है बच्चों फिक्स्ड, और फिक्स्ड है 20%, तो 20% ऑफ 3000 यानी 600 रुपये,
एक है वेरिएबल, ध्यान से सोचो, अगर वेरिएबल 80% 2400 रुपए हो और ये 2410,000 यूनिट्स के लिए हो, तो 8000 यूनिट्स का प्रपोर्शनेट क्या हो जाएगा? ठीक है, 2400 अगर 10,000 यूनिट्स के लिए हो तो 8000 के लिए हो गया 80%, 2400 का 20% माइनस कर दो 480 रुपए, तो ये बन जाएगा 1920 रुपीज, और आउटर कॉलम में जाने जो दो बच्चों 2520 रुपए। फिक्स्ड तो फिक्स्ड है, वेरिएबल बदल रहा है, जैसे हम कहते हैं हमारा देश बदल रहा है, इसी तरह से बच्चों वेरिएबल बदल रहा है। वेरिएबल 2400 था 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 8000 के लिए 80% हो गया प्रोपोर्शनेट। ठीक है जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक एलिमेंट आया बच्चों पावर, उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, ये सब बच्चों हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स के पार्ट हैं। तो पावर के बाद मैं चल रहा हूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की ओर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अंदर फिक्स्ड कितना? फिक्स्ड है बच्चों यहां पर भी 20%, यानी 20% ऑफ 3500, दैट इज 700। अब बात करो वेरिएबल की, तो 80% ऑफ 3500 होता है बच्चों 2800, और अगर ये 2800 10,000 के लिए है तो 8000 के लिए कितना? 2800 का 20% लेस कर दो, 560 रुपए लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 2240 रुपए, और आउटर कॉलम आ जाएगा 2940। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद है बच्चों स्टोर्स। स्टोर्स कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को, और ये तो प्योरली वेरिएबल है, और अगर ये 2000 रुपए 10,000 यूनिट्स के लिए है तो 8000 यूनिट्स के लिए 80% हो गया 1600। स्टोर्स के बाद है बच्चा पार्टी इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के अंदर एक फिक्स्ड एलिमेंट है, और फिक्स्ड एलिमेंट है बच्चों 75%, क्योंकि 25% अगर वेरिएबल है तो 75% ऑफ 800 यानी 600, और वेरिएबल कितना 25% यानी 200, और 200 अगर 1000 के लिए है तो 8000 के लिए 160, ठीक है, 8000 के लिए 160। नोट नहीं हुआ पूरा लास्ट पेज, कोई बात नहीं बेटे, हम आपके साथ हैं, हम यहां पर हम साथ साथ हैं, खेलते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, नोटेड। डन सर,
हाँ जी हाँ जी, हो गया बच्चों, हो गया। ठीक है ठीक है। इंस्पेक्शन के बाद बच्चों मेरे पास और कौन सा खर्चा है? अब इंस्पेक्शन के बाद है बच्चा पार्टी डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए का भार 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 8,000 यूनिट्स के लिए हो गए 8,000। ये बन जाएगा बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को जनरल कैटेगरी का मान रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दो और इसके अंदर जोड़ दो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में भी बच्चों वेरिएबल और फिक्स्ड एलिमेंट हैं, ठीक है। पहले हम फिक्स्ड एलिमेंट ही हमेशा लिखते आ रहे हैं, तो फिक्स्ड एलिमेंट है बच्चा पार्टी 75%, 75% ऑफ 3600 यानी 2700, और वेरिएबल एलिमेंट है 25% यानी 900 रुपये। अगर 900 रुपये 10,000 यूनिट्स के हों तो 8,000 यूनिट्स के लिए हो गए 80%, 720। ये बाहर जाएगा 3420। और साथ ही बच्चों जोड़ दो सेलिंग ओवरहेड्स, तो सेलिंग ओवरहेड्स में एक है बच्चों फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। कितना बता रहे हो? 79,820। 79,820 बता रहे हैं हमारे होनहार बच्चे। ये सारा टोटल है ना। और सेलिंग ओवरहेड्स में बच्चों फिक्स्ड एलिमेंट है 50%, 50% ऑफ 4500। और 50% ऑफ 4500 आजकल होता है 2250। वेरिएबल लेना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट। 2250 अगर 10,000 यूनिट्स के लिए हो तो 8,000 यूनिट्स के लिए 2250 का बच्चों 20% कम कर दो, और 20% कम करने पर 450 रुपये कम हो जाएंगे और 1,800 रुपये रह जाएगा। और ये टोटल बन जाएगा बाहर वाले कॉलम में 4050। दिस इज योर टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट। और अब आप इस एस्टीमेटेड कॉस्ट को अगर बच्चों 8,000 यूनिट से डिवाइड करोगे ना, तो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, देखो इसका नाम रख दो ए, और क्वांटिटी का ऊपर नाम रख दो बी, और लास्ट में बच्चों ए को बी से डिवाइड कर देना, आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। चलो बच्चों जरा मुझे जल्दी से बता दो इसका ग्रैंड टोटल क्या आया। कंप्यूटर जी ग्रैंड टोटल बताया जाए। व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? 79,820 प्लस 3420 प्लस 4050 एंड द टोटल इज 87,290। और जब आप बच्चों इसको कैलकुलेटर की हेल्प से 8,000 से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगी रिवाइज होकर 10.91। अब बच्चों आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 पर इतनी तो 12,000 पर कितनी, या 10,000 पर इतनी तो 8,000 पर कितनी। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि बच्चों ये प्योरली वेरिएबल नहीं है, इसीलिए फिक्स्ड तो फिक्स्ड रहेगा। चाहे आप 8,000 बनाओ, चाहे आप 10,000 बनाओ, चाहे आप 12,000 बनाओ, लेकिन वेरिएबल वेरी करेगा। वेरिएबल को आपने चेंज करना है, 80% निकालना है या 120% निकालना है। अब आप इसको घर पे जब करोगे तो आप बच्चों 120% के अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है ना। आप 10,000 से डिवाइड करोगे, 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे, और देखो बच्चों इसका आंसर भी आपको गिवन है 12,000 वाला, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उसको मिला दोगे
और इसी खुशी में बच्चों मैं आपको दूंगा 20 मिनट का ब्रेक। अभी बजे हैं पूरे 11, अभी 11 ही तो बजे हैं, 11:20 पर बच्चों आप मुझे रीज्वाइन करेंगे अपने चैनल कौन बनेगा प्रोफेशनल के ऊपर, ठीक है। और मैं मिलता हूं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने फोन को रिचार्ज करो और अपने आप को भी रीएनर्जाइज करो। मिलते हैं बच्चा पार्टी ब्रेक के बाद कौन बनेगा प्रोफेशनल के इस एपिसोड में। तो टेक केयर, बाय बाय।